तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा आर की वैल्यू को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि आर की वैल्यू कैसे पुट करते हैं। प्लीज जो चीज़ बता रहा हूँ उसको भूलना बिल्कुल नहीं करो, भूलोगे तो मतलब क्या है मेरे पढ़ाने का, मेमोराइज करना जरूरी है। ओके देखो यहाँ आर की वैल्यू क्या होता है, आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू तीन तरह की होती है। पहले तो आर की यूनिट क्या होती है, यूनिट देखो पहले तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। कभी भी आपको अगर यूनिट निकालने में प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, हमें पता है कि एक्चुअली क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, राइट। तो आर की क्या बन जाएगी, पीवी अपॉन एन टी। हमें पता है पी क्या होता है, प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट इंटू वॉल्यूम की यूनिट है ना, फिर ऊपर से नंबर ऑफ मोल्स की और टेम्परेचर की, इस तरह से। तो आपको पता है हम जो भी ले रहे थे तो उसमें क्या आता था, एटीएम, फिर क्या आएगा डीएम क्यूब, फिर क्या आएगा मोल इनवर्स, फिर क्या आएगा केल्विन इनवर्स। तो इस तरह से उसकी यूनिट टाइप, कोई डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ करना क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। पी डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में किस में है, तो अगर एटीएम में तो एटीएम, वॉल्यूम भी किस में है वो भी डिपेंड करता है, डीएम क्यूब मोल हमें पता है नीचे है तो मोल इनवर्स, टेम्परेचर नीचे है तो केल्विन इनवर्स। इस तरह से आर की यूनिट आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आर की यूनिट हमने निकाल ली। अब आर की वैल्यूज क्या पुट करनी, कैसे पता चलेगा हमें क्या वैल्यू, क्वेश्चन में देख के, आपके प्रेशर को देख के पता चलता है, प्रेशर या फिर आप देख सकते हो, आप प्रेशर देख सकते हो, हाँ प्रेशर की यूनिट। ठीक है, ओके, तीन यूनिट होती है। पहली यूनिट है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये पहली यूनिट है, हाँ पहली वैल्यू है सॉरी। तो जब कभी भी आपको लगे कि क्वेश्चन में जूल के फॉर्मेट में कुछ दिया हुआ है, या फिर प्रेशर जब कभी भी आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, प्रेशर किस में दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में, तो ये वाली यूनिट यूज करते हैं। आर की क्या यूज करोगे वैल्यू, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन में कहीं पे भी जूल जैसा कुछ दिखा तो समझ जाना आर की ये वैल्यू यूज करनी है। सेकेंड आर की वैल्यू क्या है, आर की दूसरी वैल्यू होती है जो हम यूज कर रहे थे, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब देख लो वही है थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था, एक्चुअली मैंने उसमें लीटर की जगह डीएम क्यूब लिखा था, आपको पता है लीटर और डीएम क्यूब एक ही होता है, तो वही है लीटर एटीएम लिखो या डीएम क्यूब एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, वो एक यूनिट होती है। तो आपको क्वेश्चन में अगर कभी भी प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है या एमएम ऑफ एचजी में दिया हुआ है, अगर एमएम ऑफ एचजी में दिया है तो उसको एटीएम में कन्वर्ट करो और आर की ये वाली पुट कर लो, ये दूसरा। तीसरी आर की वैल्यू जो होती है, आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ फिर। तो एक हो गया 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, दूसरी वैल्यू है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ओके, उसके बाद कौन सी वैल्यू है, उसके बाद एक और वैल्यू है, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये बहुत ही कम यूज में आती है, ये बहुत कम यूज में आती है। ये कब यूज होती है, जब कभी भी आपको लगे कुछ कैलोरी से रिलेटेड दिया हुआ है, कैलोरी से रिलेटेड दिया हुआ है, तब ये यूज होती है। और उसमें भी हम लोग है ना 1.98 नहीं लेते, हमें पता है 1.98 काफी क्लोज है 2 से, हम वैल्यू क्या लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 2। तो आर की तीन वैल्यूज है, पहली है 8.314, ये दो ज्यादा यूज होती है, कौन सी 8.314 आपको यूज होती हुई दिखेगी बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स में, 8.314 और एक 0.0821 विद यूनिट आपको याद रखना है, कुछ नहीं इसमें क्या चेंजेस है, पहले वाले में जूल था, दूसरे वाले में लीटर एटमॉस्फेयर है, तीसरे वाले में कैलोरी है, बाकी तो सेम ही है मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझ में आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ये समझ में आ गया, आर की तीन वैल्यूज में गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट्स को, मैंने ये भी बता दिया, ये आपको काफी काम आएगा, हटा देता हूँ। ये 11th स्टैंडर्ड में स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया जाता है, ठीक है, विथ यूनिट बता दें, कभी भी किसी के यूनिट में अटक जाते हैं ना तो उसके फॉर्मूले से रिलेट करा करो, आपको उसकी यूनिट मिल जाएगी। चलो ये हो गया
अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अभी कुछ चेंजेस होने वाले। क्या चेंजेस होने वाले? तो किसी ने स्टार्टिंग में मुझे पूछा भी था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो वही है यहाँ पर। अब तक जितना भी पढ़ा है सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, अब तक जितना भी पढ़ा हमने सब कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। अब जो पढ़ने वाले हम वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ने वाले, कुछ डिफरेंसेस आने वाले इसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आने वाले। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। अभी और डिटेल में बता दो, देखो दो चीजें होने वाली। देखो क्या क्या दिया है, मैं ये वो पहली बार देख रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ क्या क्या दिया है इन्होंने। ओके वही सब है, ठीक है ओके। हाँ तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स बताओ पहले आप बताओ, कैन यू रिकॉल में लिखा हुआ है व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स? कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व नहीं, डिसॉल्व तो कोई भी हो सकता है, डिसोसिएट, ये वर्ड सही है ना, ये वर्ड सही आपने यूज किया, दैट इज वो जो डिसोसिएट होते हैं, जो डिसोसिएट होते हैं दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। जो सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट होते हैं दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, जो डिसोसिएट नहीं होते हैं दे आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और आपके इस चैप्टर में जो पॉपुलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो आपको क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मैं आपको बता दूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट पॉपुलर है, कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट पॉपुलर है? यूरिया एंड ग्लूकोज, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज, ये तीन आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं, जैसे पॉपुलर NaCl पानी में डालती है, Na प्लस Cl माइनस। अब इलेक्ट्रोलाइट में भी वापस चेंज होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा क्या, अब तक चैप्टर चालू हुआ है? नहीं नहीं चालू हुआ, क्यों, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। मतलब अगर आपने बाहर से 100 पार्टिकल डाले थे, ठीक है, अंदर जाके वो 200 हो गए, 100 डाले थे और अंदर जाके 200 हो गए, या फिर 100 जो है वो पूरी तरह से टूट गए, अंदर 100 के 100 पूरे टूट गए, ठीक है, 200 बोलना सही नहीं होगा, हाँ, तो 100 के 100 पूरे पार्टिकल टूट गए, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर आपने बाहर से 100 डाले, अंदर जाके सिर्फ 2 टूटे या 3 टूटे, बाकी सब ऐसे के ऐसे ही रह गए, दैट इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आपने पानी में डाला कुछ भी नहीं टूटा, दैट इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो तीन चीजें होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल नहीं टूटता, फिर इलेक्ट्रोलाइट वापस दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया तो दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ दैट इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। आई होप इतना क्लियर है। अब हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो आप सोचो कि अब तक तो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे थे, तो बाहर से अगर आपने समझो कि आपने एक मॉलिक्यूल लिया दैट इज ए बी, ठीक है, इसके अंदर दो पार्टिकल है, अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आप पानी में डालोगे ना तो भी ये ए बी रहने वाला है, ये ब्रेक नहीं होने वाला है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपने बाहर से इसके 100 पार्टिकल्स डाले, सिर्फ ये सब हाइपोथेटिकल है, सिर्फ ऐसे समझो, समझने के लिए बता रहा हूँ, है ना, 100 पार्टिकल नहीं डालते हम, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, 100 पार्टिकल, तो अंदर जाके भी 100 ही रहने वाले, क्यों, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं करने वाले क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी आने वाली है। बट अगर आपने समझो ये ए बी अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ, अगर ये ए बी इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो ये अंदर जाके स्प्लिट हो जाएगा इंटू 2A+ and B-। तो आपने बाहर से 100 पार्टिकल डाले, अंदर जाके 200 हो गए, अंदर जाके क्योंकि हर एक पार्टिकल दो में टूट रहा है तो अंदर जाके कितने हो गए, 200। आपने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा आएगी आपकी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, उससे भी ज्यादा आएगी, समझ में आया। इसको तो बोलते हैं डिसोसिएशन। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे स्पेसिफिकली आप याद रखना एसिड्स, आप सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जिसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप होगा वो आपको सल्यूट, जब कभी भी आपको सल्यूट ऐसा दिया रहेगा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी टाइप का एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, तो याद रखना वो डिसोसिएशन ही अंडरगो करता है, वो एसोसिएशन अंडरगो करता है। मतलब क्या होता है कि आपने बाहर से डाले थे 100 पार्टिकल और अंदर जाके हर एक पार्ट दो पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे, दो पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे, तो जब कभी भी कोई दो चीजें साथ में जुड़ जाती है दैट इज नोन एज डाइमर, दैट इज नोन एज डाइमर, ठीक है, तीन जुड़ेंगे तो ट्राइमर एंड सो ऑन, है ना।
तो आपने बाहर से डाला था 100, अंदर जाने के बाद क्या होने वाले, हर दो दो लोग आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 50, अंदर जाके 50 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने जितनी सोची थी उससे कम आएगी इस बार, ठीक है, पार्टिकल्स कम हो गए। तो इन दोनों ही केस में हमारी एक जगह पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आ रही है और एक जगह पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आ रही है। इसको लेके एक टॉपिक होता है, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस वजह से आती है, अगर आपको क्वेश्चन आया तो आंसर आएगा बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पढ़ो, हाँ मैं भी पढ़ रहा हूँ। पहले पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है, सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर एग्जिबिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस। दिस सॉल्यूशन आल्सो गिव फॉर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस द मोलार मासेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर केमिकल फॉर्मूला। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही आने वाला है, ठीक है, वो कुछ नहीं है। इसके बाद देखते क्या लिखा, स्टडी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हाउएवर रिक्वायर अ डिफरेंट अप्रोच देन यूज फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Following are the experimental observations for the colligative behavior of electrolytes. देखते क्या है behaviors? पहला, the solution of electrolyte also exhibit colligative property which do not obey relations of non-electrolyte. वो लोग non-electrolyte के relations को obey नहीं करते, ठीक है, क्या changes आने वाले समझ में आ जाएगा, don't worry. Next, the colligative property of solution of electrolytes are greater than those of than those to be expected for the solution of non-electrolyte of same concentration, है ना? मेरे कहने का मतलब समझो। For example, अगर आप 1 molar यूरिया ले रहे हो, ध्यान देना यहाँ पर, आप 1 molar यूरिया ले रहे हो, और अगर आप 1 molar ग्लूकोज ले रहे हो, और अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या सेम होगी, बट डेफिनेटली सेम होगी। या यूरिया और ग्लूकोज हमें पता है दोनों के दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, हमें मैटर ही नहीं करता एक ग्लूकोज और एक यूरिया है तो दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इन दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नो डाउट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सेम होगी बिल्कुल भी। बट अगर वहीं में अगर एक 1 molar NaCl ले लूं और अब आपको बोलूं कि क्या यूरिया और NaCl की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, नहीं, दोनों ही 1 molar है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, पर अभी मैटर करेगा बिकॉज NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट, NaCl अंदर जाके डबल हो जाएगा, इसीलिए इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी यूरिया की जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी उससे डबल आने वाली है इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? ये उन्होंने लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन सेम होने के बावजूद, कॉन्सेंट्रेशन सेम है देन टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आने वाली है, ठीक है, आप देख सकते हो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, वापस देख पढ़ लो जस्ट अ मिनट। हाँ, क्या लिखा है, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्रेटर देन दोज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा है हमने, बट एक इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो किसका क्वालिटी प्रॉपर्टी ज्यादा आने वाला है, इलेक्ट्रोलाइट्स का। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर, हां सर, ठीक है, ओके ओके। किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो अभी भी, किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, ठीक है, डाउट मत रहने देना, आपको ही फायदा होगा, मैं जितना पढ़ाता उतना अगर आप घर पे एक बार भी रीड कर लोगे ना आप भूलोगे नहीं, फॉर श्योर, अभी आपके ऊपर है। चलो आगे देखते हैं, बोलो बोलो सर, अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को जबरदस्ती तोड़ दे तो क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसे जबरदस्ती तोड़ दोगे तो बताओ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक ही नहीं होता, ऐसा नहीं, हाइपोथेटिकली नहीं होता ऐसा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक कर ही नहीं सकते हम, ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हम ब्रेक कर ही नहीं सकते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की वो प्रॉपर्टी है कि वो ब्रेक ही नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी। ओके, अगला देखो, द मोलार मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस सॉल्यूशंस डिटरमाइंड बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर फाउंड टू बी कंसिडरेबली लोअर देन द फॉर्मूला मासेस। तो इनका जो मोलार मास आएगा, अच्छा एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना, Colligative property is inversely proportional to molecular weight. Colligative property is inversely proportional to molecular weight होता है।
आप देख सकते हो आपने अब तक जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की उससे ऑब्जर्वेशन करते थे। देखो मैं बताता हूँ आपको, समझो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपको याद हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके अंदर हम लिखते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लिखते थे एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, बट हम एन टू नीचे से गायब कर देते थे तो एन टू ऊपर आता था, राइट। एन टू को हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू। तो आप देख सकते हो ये तो है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और देखो एम टू किधर आ रहा है, नीचे। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आप देख सकते हो क्लियर कट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो ये तो पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज इक्वल्स टू kb into molality. Molality का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ इतना डिटेल में, आप यहाँ पे भी देख सकते हो दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर वेट नीचे, दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। थर्ड तो एकदम सेम ही है, उसमें क्या बताऊँ मैं आपको, है ना, खाली tb की जगह tf आने वाला है। सीधा ये वाले पे बता देता हूँ, दिस पाई इज इक्वल्स टू crt, राइट। तो पाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम आर टी, राइट। वापस आप देख लो दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर वेट नीचे। इससे हम ये एनालिसिस, इस पूरे से हमें ये पता चल गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा मॉलिक्यूलर वेट से इनवर्स होती है। कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ गया? इतने सब कुछ आपके सामने मैंने इतने सारे प्रूफ रखे हैं, हमेशा याद रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो लॉजिक सी बात है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर वेट निकालने जाओगे, इलेक्ट्रोलाइट का, तो क्या होने वाला है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाके दुगना तिगना जितना भी होने वाला है उतना हो जाएगा, उसके हिसाब से आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा आएगी। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आती है, जितनी भी आएगी ज्यादा आएगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, बताओ, बोलो। कम आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कम आएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर वेट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना हमने मॉलिक्यूलर वेट सोचा था उससे कम आएगा। आप देख सकते हो तीसरा वही लिखा है, द मोलार मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन डिटरमाइंड बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर फाउंड टू बी कंसिडरेबली लोअर देन द फॉर्मूला मासेस। समझ में आया क्या? ये पॉइंट समझने के लिए वो समझना जरूरी है, जितना हमने सोचा था जितना फॉर्मूला का मास होगा उससे भी कम आएगा। वापस पढ़ लो, द मोलार मास, अभी देखो इन्होंने फालतू में कंफ्यूज करके फॉर्मूला मास एंड मोलार मास लिखा, आप समझ लो वही है, मोलार मास ही है। तो मोलार मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशंस डिटरमाइंड बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर फाउंड टू बी कंसिडरेबली लोअर देन द एक्चुअल मोलार मास। ये एक स्टेटमेंट होना चाहिए। समझ आया? यस सर। तो इस पॉइंट के लिए आप हो सक, आपके पास अगर बुक है तो प्लीज इस पॉइंट के बाजू में ये लिख लेना, अदरवाइज आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि ऐसे कैसे हो गया। इस पॉइंट के बाजू में हमेशा अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो इस पॉइंट के बाजू में इतना लिख लेना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। तो जितना हम मोलार मास सोच रहे थे उससे तो कम आएगा। अब तक हम जितना भी मोलार मास कैलकुलेट कर रहे थे सब राइट आ रहा है, बट इलेक्ट्रोलाइट में जितना सोच रहे उससे कम आएगा, उसको करेक्ट करने के लिए कुछ अभी करने वाले हैं, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, व्हाई द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आर ग्रेटर देन दोज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है एक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, बट फिर भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा आने वाली है, इलेक्ट्रोलाइट की। ऐसा क्यों होता है? अब देखो उन्होंने लिखा है, Recall that electrolyte dissociates into two or more ions. जरूरी नहीं है कि दो ही हो, हो सकता है तीन ब्रेक तीन में कन्वर्ट हो, चार में हो, पांच में हो, कितने भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलूँ NaCl तो ऑब्वियसली उसमें कितने पार्टिकल मिलने वाले, दो, बट अगर मैं आपको बोलूँ Na2SO4 ये तो तीन में कन्वर्ट होगा, ये पूरा एक, और सोडियम दो, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तीन, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तीन। वो डिपेंड करता है कितने में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? देखते आगे, डिसॉल्व्ड इन वाटर, वेयर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोसिएट, है ना? स्टेटेड डिफरेंटली, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस टू और मोर आयंस, है ना?
आप एक डाल रहे हो बाहर से बट वो डिसोसिएट होकर कितना बन रहा है, दो या मोर, जितना भी उसके अंदर होगा, जितने में भी वो ब्रेक होता है उतना कॉन्सिक्वेंटली नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सोल्यूशन इंक्रीजेस. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आर दस हायर देन दोज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, क्योंकि अंदर जाके पार्टिकल्स बढ़ गए इसलिए इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है. आई थिंक ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उन्होंने लिखा है, समझ में आया? यस सर. यहाँ पर ये चैप्टर थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, ठीक है, ओके ओके. अब देखो क्या लिया बॉक्स में, इफ 1.25 मोलाल, मोलाल मींस मोलाल होता है, इफ 1.25 मोलाल सुक्रो सॉल्यूशन हैज डेल्टा टीएफ, प्लीज मेरी बातों पे ध्यान देना, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा बट अपने जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो. हाँ, इफ 1.25 मोलाल सुक्रो सॉल्यूशन हैज अ डेल्टा टीएफ ऑफ 2.32 डिग्री सेल्सियस, what will be the expected value of delta tf for 1.25 CaCl2 solution? ab isme ab dekho bahut logical sucrose solution sorry ha sucrose solution aapko pata hai ki sucrose solution is a non electrolyte, sucrose solution is a non electrolyte, jabki CaCl2 aap dekho clear cut CaCl2 is a electrolyte, CaCl2 is a इलेक्ट्रोलाइट. कितने में टूटेगा मुझे बताओ, CaCl2 कितने पार्टिकल में ब्रेक होगा, कितने पार्टिकल प्रोड्यूस होने चाहिए, क्या लगता है आपको? अगर CaCl2 ब्रेक होगा 3 पार्टिकल, आई थिंक इतना सब है ना, इतना सबको पता होगा कि CaCl2 ब्रेक होगा तो कितने पार्टिकल बनेंगे, 3, एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन, तो 3 बनेंगे, तो ऑब्वियसली इससे 3 गुना वैल्यू ज्यादा आएगी, इससे 3 गुना वैल्यू ज्यादा आएगी, समझ में आ गया, उसकी वैल्यू इससे 3 गुना ज्यादा आने वाली है, है ना. सुक्रोज की वैल्यू जितनी आ रही है, सुक्रोज की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.32, तो आपके CaCl2 की उसकी 3 गुना ज्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि वो 3 पार्टिकल में टूटने वाला है, समझ में आया? यस सर. यस सर. ओके, आगे ध्यान दो. फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल व्हेन NaCl इज डिसॉल्वड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस 2 आयंस Na+ एंड Cl-, वेयर इज सुक्रोज डू नॉट डिसोसिएट, उन्होंने वही लिखा है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट It is expected then that the colligative property of 0.1 molar NaCl is twice than that of 0.1 molar sucrose solution. है ना? हालांकि ये इससे related कुछ नहीं है. ये लोग किस, इसमें ये लोग किससे explain कर रहे हैं? Sucrose और NaCl के बारे में बात कर रहे हैं. तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर sucrose की value जितनी भी होगी तो NaCl की कितनी होगी? उसकी double. क्यों? क्योंकि NaCl में 2 particle होता है ना? तो वही लिखा, देखो हमने sucrose भी कितना लिया, 0.1 molar. NaCl भी कितना लिया, 0.1 मोलर, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो बिल्कुल सेम था, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सुक्रोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट व्हाइल NaCl इज अ इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट होने के साथ भी वो 2 में डिवाइड होगा, इसीलिए देखो लिखा है लास्ट में कि NaCl इज ट्वाइस दैट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सुक्रोज सॉल्यूशन. आई थिंक इतना तो क्लियर है, ठीक है. कितना बचा है अभी आपका, ये हार्डली कुछ बचा है. अच्छा, कौन से चैप्टर हो गए आप लोग हैं, कौन से चैप्टर हुए? हेलो, सुन पा रहे हो? यस सर. कौन से चैप्टर हुए? आयनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स चालू है, फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और सॉल्यूशन अभी होता है. ऑर्गेनिक पूरा हो गया, ऑर्गेनिक पूरा ही हो गया आप लोग का? बाप रे, अमाइंस बचा है सर. हां, ओके ओके, तो मतलब तो अल्डोल कंडेंसेशन और ये सब आता होगा आप लोगों को, कैनिजारो, अल्डोल कंडेंसेशन. हां, यस सर. मतलब मेरा ही लैकिंग है. और ये थर्मोडायनेमिक्स कौन पढ़ा रहे हैं आपको? थर्मोडायनेमिक्स हो गया सर. नहीं, किसने पढ़ाया है वो बोल? कल्पना मिस्त्री. कल्पना मैम. ओके ओके,
ये पिछले साल नहीं थे ना मैम, आई थिंक थे या नहीं थे? नहीं थी मैम पिछले साल। पिछले साल आपको मैम ने पढ़ाया था एंडिंग में, एंडिंग में। ओके एंडिंग में, एंडिंग में पढ़ाया था। ओके ठीक है। तो मैम अभी तक केमिकल काइनेटिक्स ले रहे हैं ना, देखता हूँ मैं कौन सा ले पाता हूँ क्योंकि ये चैप्टर तो खत्म होने आया ऑलमोस्ट। देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर सॉलिड स्टेट, दोनों में से कोई एक। सर बायो का सालू क्या था? बायो एक्चुअली क्या हो गया ना कि मेरा ना नेक में पेन होने लग गया था, इसलिए मैं ज्यादा लोड नहीं ले पा रहा हूँ। थोड़ा एक रिलीव हो जाए फिर बायो भी स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली क्या ना और भी क्लासेस होता है ना तो उनका भी लेना होता है ना, और फिर मेरे को बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा ना तो वापस नेक में पेन स्टार्ट कर जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा अभी फिलहाल के लिए कम ले रहा हूँ लेक्चर्स। जैसे ही वो थोड़ा रिलीव हो जाए उसके बाद बायो भी मैं सर को बोल के स्टार्ट करवाता हूँ वापस। ठीक है डोंट वरी, वो भी कर लेंगे। तो बायो किसी ने कंटिन्यू नहीं किया अभी? चालू है, इनहेरिटेंस शुरू किया। कौन सा है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कौन पढ़ा रहे हैं बायो? जितेंद्र सर और ओके हेल्थ एंड डिसीजेस पढ़ा रहे हैं। ओके 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 ठीक है बाय। चलो वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर ये नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक। वेंट ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंट ऑफ फैक्टर डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल आई। वेंट ऑफ फैक्टर डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल आई, और ये टॉपिक ध्यान से सुनना। ये वेंट ऑफ फैक्टर ही है जो उसको करेक्ट करेगा। तो हमें पता है ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ज्यादा आ रही है वैल्यू, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को बराबर लाने के लिए एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। साइंटिस्ट होंगे वेंट ऑफ, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसका नाम वेंट ऑफ फैक्टर रखा गया है। तो करेक्ट करने के लिए ध्यान रखना कि क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है, उसको हमें सही लाने के लिए हमने एक फैक्टर निकाला था, एंड दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है देखो क्या होता है ये वेंट ऑफ फैक्टर, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। To obtain the colligative property of electrolytic solution by using relations for non-electrolytes. जो relations हम non-electrolyte के लिए use कर रहे थे, अगर वही हम electrolytes के लिए भी use करना चाहते हैं और अगर हमें value सही चाहिए तो हमें एक factor को use करना पड़ेगा, and that is went off factor. लिखा भी है went off factor suggested a factor I. It is defined as the ratio of colligative property of a solution of electrolyte divided by colligative property of non-electrolyte solution of same concentration. बहुत बड़ा definition, कोई बात नहीं, एकदम easy, कुछ नहीं है। आप देख सकते हो I की value क्या होने वाली है, colligative property जो आपके electrolyte से आ रही है, जो आपके electrolyte से जो colligative property आ रही है, आपको उससे किससे divide करना है, जो colligative property की value आपकी किससे आ रही है, non-electrolyte, वो भी same concentration। मतलब for example अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि समझो आपने एक लिया 0.1 molar NaCl और आपने लिया 0.1 मोलार सुक्रोज, मोलार लो या मोलार ब्यूटी लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सुक्रोज। तो आपको क्या करना है ना, कॉन्सेंट्रेशन तो बिल्कुल सेम, तो आपको इससे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी और इससे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। ध्यान रखना दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है तो आप नहीं कर सकते फाइंड। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, एक इलेक्ट्रोलाइट है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ऊपर इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए नीचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक है तो उससे जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज आई और वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। आई होप एकदम सिंपल है, और जिस तरह से ये दिया उस तरह से आपको यूज भी नहीं करना है, डोंट वरी एकदम सिंपल आता है। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज करना है, ये कैसे यूज होने वाला है। आपने अब तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े ना उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करने, कुछ नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला फॉर्मूला था ये वाला था, राइट है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमें करना क्या है, बस उसके आगे क्या लगाना, आगे आई है ना, आगे क्या इंट्रोड्यूस करना है हमें, आई। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब तक हमने पढ़ी है उनके फॉर्मूला के आगे आपको सिर्फ आई जोड़ना है। जैसे डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था, के बी इंटू एम, तो उसके आगे क्या आ जाएगा, आई इंटू के बी इंटू एम। अब यहां से आपको ये समझ में आता है कि आपका चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो या इलेक्ट्रोलाइट हो, सब में आपको आगे आई लगाना है, सब में आपको आई लगाना है। फिर आप सोचोगे ये क्या बात हुई, अब तक तो हम लोग बिना आई के कैलकुलेट करें, डोंट वरी। आपको करना क्या है, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा ना तो आई की वैल्यू 1 ले लो,
आई की वैल्यू क्या ले लोगे, वन, तो हो गया ना पहले जैसे ही। क्या करना है आपको, ध्यान रखना है एग्जाम में चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए आपको हमेशा उसके आगे आई लिखना है, फिर ही फॉर्मूला स्टार्ट करना। तो जैसे भी आप लिख रहे हो अब तक जितने भी फॉर्मूला मैंने सिखाया सबके अंदर आगे आई लगाना है बस। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो आई की वैल्यू वन ले लोगे, और अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो उसके आई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं वो भी आएगा। समझ में आया, इतना समझ में आना चाहिए। अब देखो एकदम सिंपल हो गया, यही तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन। अब देखो, आप देखो ये डेल्टा पी अपॉन पी जो है, डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक है, ये डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू जो भी आएगी वो आई के साथ मल्टीप्लाई होकर आ रही है इनटू एक्स टू, है ना। तो ये जो अभी प्रॉपर्टी आ रही है किसकी आ रही है, इलेक्ट्रोलाइट की। समझना, थोड़ा समझने वाली बात है, ये क्या आ जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की, क्यों, क्योंकि आई भी लिया है, समझो आई की कुछ ना कुछ वैल्यू हुई तो। और खाली x2 की बात करें, ये खाली x2 की, सिर्फ x2, I भूल जाओ, खाली x2, तो खाली x2 तो किससे मैच करता है, इससे। तो खाली x2 एक्चुअली किसका मतलब, खाली x2 लिया इसका मतलब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट की, ये वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट की। इधर कौन आ गया, आई, इधर कौन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो देयरफॉर आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई, इलेक्ट्रोलाइट अपॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट अपॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसी तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया है, उसी तरह से उन्होंने बताया है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको आई की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालनी पड़े। हाँ, बट ये पता जरूर होना चाहिए कि आई क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। समझ आया आप लोगों को, इतना ध्यान रखना। इस तरह देखो उन्होंने किया भी वैसे ही है। अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना ऊपर कहीं पे भी नॉट नहीं लगाया, देखो सब फॉर्मूले में डेल्टा टीएफ लिखा है, नीचे डेल्टा टीएफ नॉट लिखा है, नॉट मींस नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सब जगह वही किया, देख लो आप, सब जगह उन्होंने यही किया है। देखो इन्होंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंसिडर किया है, है ना। डेल्टा पी लिखा है सिर्फ, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप देख सकते हैं सब में उन्होंने डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ नॉट, डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी बी नॉट, मतलब ऊपर वाला इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नीचे वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। समझ में आया? यस सर, यस सर, ठीक है। धीरे धीरे आपको और समझ में आने लगेगा जब थोड़ा आगे जाएगा ये, थोड़ा हाँ अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप देख सकते हो, देखो ये है, देखो डेल्टा पी की, अगर हम डेल्टा पी को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी माने तो ये पी वन नॉट इधर आ जाएगा, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, लोग सिर्फ डेल्टा पी को ले रहे तो पी वन नॉट उधर चला जाएगा। तो देखो उसके आगे क्या लिखा है, आई, देखो डेल्टा टी पी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ उसके भी आगे आई, पाई उसके आगे भी एम, पाई जो है उसके आगे भी आई लिख लिया। तो सब जगह खाली आपको आई लेना है। ये आई की वैल्यू कैसे निकालनी, ये चैलेंजिंग है, ये इसके लिए आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का नॉलेज होना चाहिए। बता दो कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स है क्या इसके अंदर, हाँ बताओ, ये सेकंड एमसीक्यू का आंसर बताओ, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, क्या आंसर आएगा इसका, सोच समझ के आंसर बताना और बोलना नहीं, आपको मैसेज करना, क्या आंसर है इसका। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर से, सोच समझ के आंसर दो, इजी है ये आंसर, बहुत इजी है इसका आंसर, परफेक्ट। दो लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखो कि एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है एक तरह से। अभी भी वेट कर रहा हूँ कुछ आंसर्स के, वरना मैं बता दूंगा। आंसर सी है ना, क्यों, क्योंकि आप देखो वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखा है, इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन, किसमें एक्सप्रेस करते हैं, किसमें एक्सप्रेस था, मोलैरिटी था, कि मोलैरिटी था, क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपने जब डेरिवेशन लिया था हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का,
वापस देख लो क्वेश्चन. इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, सोचो एक आंसर आया, दो आंसर है, दोनों का सही है. प्लीज रिप्लाई. आई थिंक आप लोगों को समझ में आया. और मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले तो डेरिवेशन किया इसका, क्या था उसके अंदर, n by v क्या होता है, n by v इज मोलैरिटी, सिंपल मोलैरिटी इज द आंसर, है ना. हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है. फिफ्थ क्या था ये, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन, मैंने बोला भी था आपको, पूछेंगे लोग क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट का मतलब क्या, पहले तो वो बताओ मुझे क्या होता है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, पहले तो वो बताओ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट को हम कैसे लिखते हैं वो बताओ. चलो हाँ, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या लिखते हैं हम वो पहले बताओ, पढ़ो. हाँ पढ़ो थोड़ा प्लीज. क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या था मैं बताता हूँ आपको, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ आपसे, बन से बता देना प्लीज पढ़ो. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज केएफ, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज केबी. तो केएफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी, इनफैक्ट मैंने हाईलाइट करके बताया था आपको, नेचर ऑफ मैंने बोला भी था कि इस पे क्वेश्चन आता है, क्या आंसर है प्लीज पढ़ो. आंसर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, nature of solvent. Cryoscopic constant, ebullioscopic constant, they all depends on the nature of solvent. Depends on the nature of solvent. Please, ध्यान रखो. बहुत सारे MCQ है यार, इसमें से ये सब करोगे आप, होमवर्क है आपका 12 के 12 पूरा सॉल्व करना. नहीं आया तो मुझे अगले क्लास में बताना. 12 है, 12 के 12 पूरा करने. जो नहीं आया आप प्लीज उसको टिक करके रखना. हो सकता है इसमें से कुछ कुछ नहीं भी आए क्योंकि चैप्टर नहीं हुआ अभी तक. आप पूरा सॉल्व करोगे और मुझे अगले क्लास में बताओगे कि आपको कौन सा नहीं आया. ये देखो इधर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी करोगे आप. इनफैक्ट कम कर दिया, पहले बहुत हुआ करते थे प्रैक्टिस के लिए, अभी कम कर दिया है. ये अभी नहीं करते, पहले एमसीक्यू कर दो प्लीज. एमसीक्यू सॉल्व करना, पढ़ना भी. चलो आगे आ जाते. चलो इस पे देखते हैं. तो आई की वैल्यू आपको समझ में आ गई, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना. इसके अलावा वेंट ऑफ फैक्टर आई इज आल्सो डिफाइंड एज इन एन ऑल्टरनेटिव बट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट मैनर एज, दूसरा तरीका क्या है, और क्या तरीका हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं अलग अलग तरीके से. आई का दूसरा फॉर्मूला एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिसिपेट, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स in the solution after dissociation upon moles of formula unit dissolved in solution. क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि actual moles dissociate होने के बाद कितने moles हो गए, जो भी double triple जो भी है, आप वही देख लो ना ऊपर क्या है, electrolyte. तो electrolyte